किसी नमाजी के सामने से गुज़रना जो है बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में इस पर बहुत सख्त वईदे आई हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत मनकूल है। हज़रत साहब अकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स को नमाजी के सामने गुज़रने के गुनाह के बारे में इल्म हो जाए तो वो 40 तक खड़ा रहेगा। अब 40 से क्या मुराद है, 40 दिन है या महीने है या साल है? बाज़ रिवायत से ऐसे मालूम होता है कि 40 साल तक है, यानी इतना बड़ा गुनाह ये कि इससे बचते हुए वो 40 साल तक तो खड़ा रहेगा लेकिन नमाजी के सामने से नहीं गुजरेगा। इस तरह अबू दाऊद की एक रिवायत में आता है कि उसमें काबे अहबार फरमाते हैं कि अगर नमाजी के सामने से गुज़रने के गुनाह का इलम हो जाए तो आदमी ज़मीन में धंसना कबूल करेगा लेकिन वहाँ सामने से नहीं गुज़रेगा। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। बाकी ये कि किस हद तक के सामने से गुज़र सकते हैं, तो अगर बड़ी मस्जिद है, मसलन 60 बाई 60 है, 3600 मुरबा फीट की मस्जिद है, तो उसमें दो सफ़ों के आगे से गुज़र सकते हैं, यानी 8 फीट का फासला बनता है तकरीबन, तो उसके सामने से गुज़र सकते हैं।